अहमद मुश्ताक ने कहा था कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं जावेद अहमद ने कहा था कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं मैं माइक पर दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब अमित पांडे साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें वो आए थे अपनी मर्ज़ी से उन्हें जाने का हक़ है मुकम्मल बिना लिखा पढ़ी का इश्क था किसी पे क्या मुकदमा हो तो सभी को नमस्कार आदाब अमित पांडे नाम है और कोशिश करने जा रहा हूँ कुछ कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा एक ख्याल है देखिएगा कि घाव मोहब्बत के गहरे कितने होते हैं जितना गहरा लिख पाओ तुम उतने होते हैं एक स्याही है दर्दों की उससे ही लिखता हूँ जितने आँसू कागज़ पे सब मेरे होते हैं उसकी आँखों से देखा था जो भी सपना था मेरी आँखों में थोड़े ना सपने होते हैं उसकी आँखों से देखा था जो भी सपना था मेरी आँखों में थोड़े ना सपने होते हैं बिन मांगे जो मिल जाए वो ख्वाहिश है किसकी चादर जितने पैर कभी नहीं अपने होते हैं लिखकर कुछ पैसे मिल जाएं तो तुम काबिल हो लिखकर कुछ पैसे मिल जाएं तो तुम काबिल हो शायर हम जैसे पेशे से बुजदिल होते हैं लिखकर कुछ पैसे मिल जाएं तो तुम काबिल हो शायर हम जैसे पेशे से बुजदिल होते हैं कह देना उनसे मातम पर आकर ना रो दें मुर्दों के उठ जाने से फिर मसले होते हैं बहुत शुक्रिया बहुत और लाइन देखिएगा कि दिले नादा को समझ क्यों नहीं आता गुज़रा लम्हा तो लौट कर नहीं आता राह तकते दिखे कितने ही मुसाफिर एक मेरा ही नज़र क्यों नहीं आता उसके जाने का एक मलाल छोड़कर, मन में दूजा ख्याल क्यों नहीं आता लिखा हो गम नसीब में हो या खुशी लिखा हो गम नसीब में हो या खुशी जो भी हो बेहिसाब क्यों नहीं आता कितने नाना शहर के लोग मुखातब कोई उसके शहर का क्यों नहीं आता कितने नाना शहर के लोग मुखातब कोई उसके शहर का क्यों नहीं आता शुक्र है वो हमें मिलने नहीं आया गम भी है ये भला वो क्यों नहीं आता शुक्र है वो हमें मिलने नहीं आया गम भी है ये भला वो क्यों नहीं आता कौन खुद गर्ज रहा इस फसाने में आकर कर ले हिसाब क्यों नहीं आता कौन खुद गर्ज रहा इस फसाने में आके कर ले हिसाब क्यों नहीं आता बेवफा के लिए कहीं पनाह ना हो ऐसा रस्मों रिवाज क्यों नहीं आता बेवफा के लिए कहीं पनाह न हो ऐसा रस्मों रिवाज क्यों नहीं आता जाम होठों से लगा कर हूँ सोच में रोकने मुझको कोई क्यों नहीं आता जाम होठों से लगा कर हूँ सोच में रोकने मुझको कोई क्यों नहीं आता मतला लिखना कमाल जानता अमित गज़ल लिखने का हुनर क्यों नहीं आता बहुत शुक्रिया और एक आखिरी ख्याल है फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि जो मर गए हैं तलाशते क्यों हो लाश मेरी जो लाश बनकर ही जी रहे थे तो सब कहाँ थे वजह तलाशेंगे अब ये सारे गुजर गया क्यों जो मैं था कहता नहीं जीऊँगा तो सब कहाँ थे नहीं है सांसें जो अब बदन में तो सोचते हो मरे थे तिल तिल जो ज़िंदगी में तो सब कहाँ थे नहीं है सांसें जो अब बदन में तो सोचते हो मरे थे तिल तिल जो ज़िंदगी में तो सब कहाँ थे हुई है गर्मी तो छत पे पानी का ढोंग कर दो उन्हीं परिंदों के घर जो उजड़े तो सब कहाँ थे हुई है गर्मी तो छत पे पानी का ढोंग कर दो उन्हीं परिंदों के घर जो उजड़े तो सब कहाँ थे मिजाज मौसम का जो है बदला मलाल क्यों है मिजाज मौसम का जो है बदला मलाल क्यों है कतल दरख्तों के जब हुए थे तो सब कहाँ थे मिजाज मौसम का जो है बदला मलाल क्यों है कतल दरख्तों के जब हुए थे तो सब कहाँ थे महत्व नारी का सब ने समझा लिखा बखूबी जो लुट रही थी उसी की असमत तो सब कहाँ थे बहुत शुक्रिया